हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, तुम में से बहुत के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मतलब, बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम इज न्यू नॉर्मल, तो क्या ये सही है या नहीं है। तो ठीक है, आंसर दूंगी उसके बाद। अगर नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम कब खत्म हो रहा है, कैसे क्या सीन होने वाला है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, राइट? और स्पेशली ये क्वेश्चन आ रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। लाइक अगर हमारी बात की जाए तो जो हमने 2020 में पास आउट हमें, तो लाइक जो 2019 में पास आउट थे उनका क्या है ना कि उन्होंने एक साल ऑफिस में काम कर लिया है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, उन्हें पता है वर्क फ्रॉम होम क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस क्या है, और अब वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। 2020 वाले हमारी तरह के जो लोग हैं उनमें क्या हुआ है ना कि उन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस एक्सपीरियंस नहीं किया है। पर जब हमने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था उस वक्त क्या था कि एक एक्साइटमेंट थी अलग लेवल की कि अरे नहीं, मतलब एक्साइटमेंट है, मेरे को ऑफिस जाना है, ये होना है, वो होना। पर होते होते एक डेढ़ साल गुजर गया और एक्साइटमेंट इधर से इधर आ गई। अब एक्साइटमेंट वैसी नहीं रह गई है, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनकी एक्साइटमेंट मतलब क्लाउड 9 पे बैठी हुई है। उन्हें तो है ऑफिस जाना है, एक्सपीरियंस करना है, नए दोस्त बनाना है, नए क्रश ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, लाइक बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो वो सब चल रहा होता है दिमाग में, फाइन, कोई बात नहीं। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हो रही होती है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है भी या नहीं। बहुत लोग हैं जिन्हें लगता है अरे नहीं, वर्क फ्रॉम होम इज़ द बेस्ट, घर में अपने काउच में लेटे लेटे काम करो, इससे बेटर क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, फाइन। तो सब कुछ का मैं आंसर दूंगी, डोंट वरी। पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट करना है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, इसके बदले मेरे को सब्सक्राइबर मिलना चाहिए, राइट? तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कराओ। और बाकी तुम्हारा जैसा भी फीडबैक हो उसके लिए कमेंट सेक्शन है ही। इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक प्लीज़ हार्श नहीं होना है, हर्टफुल कमेंट मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव वे में अगर तुम चाहो तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, वो मेरे को ग्रो करने में हेल्प करेगा, उससे तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? बाकी वीडियो पसंद आनी चाहिए तो लाइक करना, नहीं आती है मेरे तरफ से कुछ कमी रह जाती है तो तुम डिसलाइक कर सकते हो, फील फ्री टू डिसलाइक, ओके? तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आई डोंट थिंक ये सब इतना मुझे बोलना चाहिए। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, बोलना चाहिए इज़ फाइन, बोलने की ज़रूरत है पता नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? आंसर इज प्लेन एंड स्ट्रेट नो। अगर वर्क फ्रॉम होम बेटर होता वर्क फ्रॉम ऑफिस से तो ये बहुत पहले से हो रहा होता, राइट? इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे इंजीनियर्स, इतने बड़े बड़े दिमाग, उनके पास ये ऑप्शन नहीं आया होगा, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में ये आइडिया आ रहा था, लेकिन उन्हें पता है कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम ऑफिस इज़ बेटर, राइट? वर्क फ्रॉम होम के कंपेयर में तो उन्हें ये चीज़ पता थी, इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहे थे। फिर सिचुएशन की वजह से करना पड़ गया, सिचुएशन इज़ नथिंग बट अपना कोरोना, तो कोरोना मैडम आ गई और उसके बाद जा करके उस वजह से कुछ नहीं हुआ, सब वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो गया। खैर, जैसे जो हुआ वो चीज़ें होती रहीं। उसके बाद पहले लगा था कि फर्स्ट वेव के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लाइक सेप्टेम्बर 2020 से नॉर्मल हो जाएगा, पर हुआ नहीं। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड फेज आ गया, सेकेंड वेव आ गया, सॉरी, तो सेकेंड वेव आया, फिर उसके बाद वो भयानक निकल गया, लाइक फर्स्ट वेव से भी ऊपर चला गया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद अभी जाके होपफुली आई विश थर्ड वेव ना आए। अगर थर्ड वेव नहीं आता है तो वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है बहुत जल्द, मतलब वर्क फ्रॉम होम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अब फिर से थर्ड वेव आ जाए तो फिर क्या ही कहना, वो तो कोई बात नहीं, पर आई विश ना आए। तुम लोग भी दुआ करो यार नहीं आए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि वर्क फ्रॉम ऑफिस जो है वो होने वाला है भी या नहीं, मतलब वर्क फ्रॉम होम जो है वो परमानेंट है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? दिस इज़ नॉट परमानेंट, ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है, राइट? तो इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका लिस्ट मैंने लिख के रखा है, तो मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, लाइक विप्रो। विप्रो ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अक्टूबर से बुलाना स्टार्ट कर दिया, कुछ को तो सेप्टेम्बर से ही बुलाना स्टार्ट कर दिया कि आप ऑफिस आओ। ऐसे नहीं कि आपको 5 दिन आना है, लाइक 2 दिन आप ऑफिस आओ, 3 दिन घर पे रहो, और 3 दिन ऑफिस आओ, 2 दिन घर पे, लाइक हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल कह सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर IBM की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि दिसंबर से
ऑफिस बुला लिया है, उन्होंने बहुत सारे अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको दिसंबर से ऑफिस बुला लिया है। सिमिलरली अगर TCS की बात करें तो TCS भी 15th of November से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऑफिस बुला रही है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी, अब लिस्ट कौन पढ़ने जाएगा राइट, तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाना शुरू कर दी हैं ऑलमोस्ट राइट। तो वो लोग जल्दी ऑफिस आ रहे, उसके बाद वो देखेंगे कि कैसा क्या हो रहा है, लाइक हाइब्रिड मॉडल में काम कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब देखेंगे ठीक है। और उसके बाद अगर सब सही रहा, लाइक अगर थर्ड वेव नहीं आता है जो होना चाहिए, अगर थर्ड वेव नहीं आता है तो बाई 2022 वर्क फ्रॉम ऑफिस जो है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 2-3-4 महीने और एंजॉय कर लो, 2 से 2.5 महीने आप एंजॉय कर लो वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस जो है वो होने वाला है अगर आपका थर्ड वेव नहीं आता है तो कंडीशन अप्लाइड। तो ये बात हो गई। अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मतलब यहाँ मैं अपना ओपिनियन देने वाली हूँ ठीक है, तो तुम डिसएग्री कर सकते हो, तुम्हारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो कमेंट में डाल देना। तो क्या वर्क फ्रॉम होम बेटर है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है? तो देखो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और मैंने इसके लिए शायद पहले से प्रोज एंड कॉन्स पे एक वीडियो बना रखा है, तो वो अगर चाहो तो तुम देख सकते हो। बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई साहब वर्क फ्रॉम होम के, आपको घर से निकलना नहीं पड़ता है, ट्रैवल कॉस्ट बच जाता है, आप अपने होम टाउन में रहते हो तो खाने का कॉस्ट बच जाता है, बहुत हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं वो सब बच जाती है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मान लिया। लेकिन उनके बारे में सोचो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया या फिर जिन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था हमारी तरह, जो एकदम से कॉलेज से निकल के सीधा गए, उनका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और एक बात यकीन मानो कि जो इंजीनियरिंग हम कॉलेज में करते हैं उसमें और जो कॉर्पोरेट वाली है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा दिन और रात का जैसा डिफरेंस है ना वैसा ही डिफरेंस है। तो तुम वहाँ पे कॉलेज में वैसा कुछ प्रैक्टिकली सीखते नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होता, वो सब चीज़ तुम ज्वाइन करके सीखते हो। तो जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं ठीक है, हमारे सीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, टीम लीड्स होते हैं, सब होते हैं फाइन, अगर मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं अपने सीनियर से पूछती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस वक्त मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस वक्त सामने वाला बंदा फ्री है या नहीं है। अगर फ्री है तो नेटवर्क इश्यूज़ कभी कभी हो जाते हैं। सेकंड थिंग, बहुत सारी चीज़ें वर्चुअली समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वर्चुअली हर चीज़ आप नहीं समझा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है ना हाथ पकड़ के कराना होता है कि भाई ऐसा नहीं, इधर पटाल हो जाएगा ठीक है। आपको ऐसा बोल दूँ, अगर मान लो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपके बगल में खड़ी हूँ और मैंने ऐसे बोल दिया कि ए रेड वाला बटन क्लिक कर देना, हो जाएगा बस, तो आप एकदम आसानी से समझ जाओगे। अदरवाइज़ अगर मैं आपको ऐसा डिजिटली बताऊँ तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि रेड वाली बटन को तुम क्लिक करो, अब कौन सी बटन राइट, रेड बटन ठीक है, अब किधर है रेड बटन, हो सकता है टॉप पे हो सकता है बॉटम में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में हो, मेरे को वो भी बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझाना भी और समझना भी दोनों ही। तो जो उसके बाद एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, तुम खुद में ही देखना कि जब तुम मतलब एक ऐसे रूम में बैठे हुए हो, तुम पढ़ने के लिए बैठे हो लेट से, रूम में 4 बॉटलें पड़ी हुई हैं ठीक है, किस चीज़ की तुम्हें समझ आ गई होंगी, 4 बॉटलें पड़ी हुई हैं, उधर हुक्का पॉट लगा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, उसके बाद तुम पढ़ने बैठे हो, बगल में तुम्हारा लैपटॉप है, इधर फ़ोन है, ये है वो है, उस वक्त उस सिचुएशन में तुम्हारा पढ़ना। एंड सेकेंड थिंग इज़ जब तुम्हारे रूम में कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारा पूरा रूम खाली है, तुम हो, तुम्हारा स्टडी टेबल है, तुम्हारे बुक्स हैं, तुम्हारे जो लैपटॉप्स वगैरह हैं जिनसे तुम पढ़ते हो वो है, फ़ोन है अगर तुम उससे पढ़ रहे हो तो वो, तो जो भी चीज़ें तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड हैं सिर्फ अगर उतनी ही हैं तो देखो डिस्ट्रैक्शन कितना कम होता है और पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एक बात बताती हूँ, ऑफिसेज जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सॉरी तो वर्क फ्रॉम होम जैसे अभी चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम में जो भी लैपटॉप आपको मिलता है ना उसमें बहुत सारे साइट्स जो होते हैं वो ब्लॉक किए होते हैं। लाइक आप ऑफिस लैपटॉप में यूट्यूब नहीं खोल सकते, आप ऑफिस लैपटॉप में पॉर्नहब नहीं खोल सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ये सब करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, इधर आपको काम करना है, इधर आपको लगा अच्छा नहीं नहीं यूट्यूब देख लेते, इधर लगा आपको अच्छा शाहिद कपूर के बारे में कुछ जान लेते, लाइक कुछ भी, तो आप इधर उधर जाओगे। लेकिन अगर सब कुछ ब्लॉक किया रहेगा, आप सिर्फ जो वही चीज़ें एक्सेस कर सकते हो जो ऑफिस से रिलेटेड है, तो आपका काम बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन घटेगा राइट, डिस्ट्रैक्शन घट गया इस वजह से आपका काम बढ़ेगा। तो जब आप ऑफिस में होते हो तो एक इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आप हर काम नहीं कर सकते उस तरीके से, वहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि आपको पूरा वर्क पे ही फोकस करना होता है।
तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ जाती है। एक माहौल होता है ना, वही तो मैं एक जो नॉर्मल चीज़ आपको बोली ना कि बॉटलें पड़ी हुई हैं, ये सब पड़ा हुआ है, उसमें आप नहीं पढ़ सकते हो। आप आराम से रेडी वेडी हो करके पूरा एकदम तरीके से पढ़ने बैठते हो ना, तो आप पढ़ते अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू ऐसे नींद आ रही है। पढ़ भी रहे, नींद भी आ रही है, पता चल रहा है मुँह से पानी गिर रहा है, ऐसे इधर नींद आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, तो आप क्या कर रहे हो आपको ही पता होता है, राइट। उससे बेहतर है कि आप एकदम फ्रेश होके जब पढ़ने बैठते हो तो देखो कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, नींद आए ना तो सीधा सो जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं। नींद आ रही है और मैं ऐसे बैठी हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेते, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, राइट। तो वही चीज़ है, एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एनवायरनमेंट, तुम्हारा पीयर ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जब तुम ऑफिस में होते हो तो तुम्हें वहाँ पे सिखाने वाले बहुत लोग होते हैं, तुम देखते हो औरों को काम करते हुए। एक चीज़ मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, ऐसा तुमने बहुत बड़ी सुना होगा कि इंसान जो है वो बंदर से इवॉल्व हुआ है, राइट। आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है, बहुत जगह मैंने ऐसा पढ़ा है, एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा था कि बंदर से इवॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स और बंदर के एंसेस्टर जो थे वो सेम है। जो भी केस हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ इंसान और बंदर में बहुत ज़्यादा सिमिलर है और वो है नकलची होना। हम सब में कॉपी करने की आदत होती है। अगर तुम देखते हो सामने वाला पढ़ रहा है, मान लो तुम एक ऐसे ग्रुप में बैठे हो, चार जन का ग्रुप है, तीन बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन तुम देख रहे हो तीन जन पढ़ रहे, तो तुम खुद पढ़ोगे ये सोच के कि ये लोग पढ़ रहे हैं, राइट। सेकंड थिंग होता है, हम कितना भी बोल दें, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल गया है कि कौन क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई साहब सबको फ़र्क पड़ता है। रियलिटी यही है कि आपको फ़र्क पड़ता है, आप मानना नहीं चाह रहे हो। आपको ऐसा लगेगा ना कि वो तीनों पढ़ रहे हैं, मैं वहाँ पे वेल्ले की तरह ऐसे पढ़ा रहूँ तो वो लोग मेरे को जज करेंगे, राइट। वो लोग बोलेंगे कैसा आलसी आदमी है, हम सब पढ़ रहे हैं और ये देखो ऐसा मज़े में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके भी आप पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है आपके लाइफ में। तो उस वजह से भी आप पढ़ते हो कि सब पढ़ रहे तो मेरे को पढ़ना है, मतलब कॉपी वाली चीज़। सेकंड थिंग, अगर मैं नहीं पढ़ा, वो लोग पढ़ रहे और मैं बैठ के फ़ोन चला रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को जज करेंगे, ऐसा वल्ला आदमी है यार, पढ़ता लिखता भी नहीं है, काम नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, उस वजह से भी आप पढ़ोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। सेम चीज़ जब आप ऑफिस में काम करने गए, हो सकता है आपका मन नहीं है काम करने का, ठीक है, आपका मन नहीं है, आप देख रहे हो आसपास सभी लोग काम कर रहे हैं ना, तो आप करोगे काम। आप बोलोगे इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, आपका काम बढ़ेगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आप सीखोगे ज़्यादा। तो जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब एकदम अर्ली स्टेज में, जिनका अभी 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्निंग। आप चीज़ें कितना सीख पाते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काम करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, प्रेशर पड़ेगा, काम बढ़ेगा तो लर्निंग भी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, आप सीखोगे ज़्यादा, राइट। तो इसीलिए देख लो क्या होता है। तो मेन मुद्दा इज़ कि वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट परमानेंट। बहुत सारी कंपनीज ने बुलाना स्टार्ट कर दिया ऑन हाइब्रिड मॉडल, ऐसे नहीं कि 5 दिन, 2 दिन 3 दिन ऐसे करके कुछ भी, फाइन। तो वो बुलाना शुरू कर दिया है बहुत सारी कंपनीज़ ने। बहुत सारी कंपनीज़ ने अभी अनाउंस नहीं किया है, पर जल्दी करेंगे। इन केस थर्ड वेव नहीं आता है तो 2022 में स्टार्टिंग में ही समझ लो आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको जाना पड़ सकता है, इसके लिए रेडी रहो, बस इतनी सी बात है। और रही बात अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस और इसके कंपैरिजन की, तो नए बंदों के लिए, जो न्यू एम्प्लॉई हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम ऑफिस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ऐसे भी आप अगर अपने बोलोगे काउच में रहते हैं, मज़े में रहते हैं, आराम से घर में रहते हैं बिना ट्रैवल के, कितना आसानी होता है, तो भाई साहब कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलोगे ना, तब तक नहीं कुछ कर सकते हो, यकीन मानो। तुम्हें बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ स्टैगनेंट रहोगे और स्टैगनेंसी जो है ना वो वर्स्ट थिंग है वो। तो बस इतनी सी बात थी, मैंने जो समझाना था समझा दिया, बाकी तुम अपना देख लो, जो सही लगे वो करो, अपने दिल की सुनो, बहुत खुश रहोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।